हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बंगाली खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए यहाँ पर मैं उसना चावल, बंगाल में उसना चावल कहते हैं, यहाँ पर यूपी में चाहे बिहार हो या भुजिया चावल कहा जाता है, इससे मैं बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो अरवा चावल से भी बना सकते हैं। इससे हमने यहाँ से इस माप से 2.5 डिब्बा हमने लिया है चावल। दाल में हमने लिया है 4 तरह का दाल, अरहर, मूंग, मसूर और चना। यहाँ पर एक एक मुट्ठी करके हमने यहाँ पर दाल ली हूँ। आप चाहें तो सिर्फ अरहर दाल से भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 कटोरी मटर ली हूँ। मसाले में हमने लिया है 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी गोल मिर्च, 1 गांठ लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का। यहाँ पर थोड़ी सी हमने यहाँ गोभी काट कर रखी हूँ, फूल गोभी। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू काट ली हूँ। सबसे पहले हम चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे, सभी दालों को मिक्स करके हम अच्छी तरह से धो लेंगे। मटर को हमें दरदरा पीस लेना है। मसाले का भी हमें पेस्ट बना लेना है, फिर बनाने की तैयारी करते हैं। दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, चावल को भी हमने धो लिया है, मटर को हमने दरदरा यदि पीस लिया है, आलू को भी हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है और इसमें हम तेल डालेंगे। सबसे पहले हम दाल को फ्राई करेंगे। एक तरफ हमने कुकर में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी रखा है गर्म होने के लिए। पानी हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम दाल को फ्राई कर ले रहे हैं। अब इसमें हम दाल को डालेंगे। दाल को हमें थोड़ा सा भून लेना है, हल्की सी जो खुशबू आने लगे, जो दाल का पानी हमारा जो है वो सूख जाए, बस इतना ही हमें भून लेना है इसे। दाल हमारा भून चुका है, ये देखिए दाल हमारा जो है तेल छोड़ने लगा है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। दाल में हम थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं। अब इसे हमें गैस बंद, कुकर को बंद कर देना है। यहाँ पर हम 2 सीटियाँ लगाएंगे। दाल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उसे पक्का करना है। दाल हमारा पक्का होना चाहिए। इसमें 2 सीटी लगाकर हम बंद कर देंगे। एक तरफ हमारा दाल हो रहा है तब तक हम कढ़ाई में चावल भून लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब यहाँ पर हम 2 तेज पत्ते डालेंगे। अब यहाँ पर हम चावल को भून लेंगे। चावल को हमें तब तक भूनना है जब तक उसके पानी अंदर सूख न जाए। इस तरह से हमें चावल को भून लेना है जब पानी अंदर पूरा सूख जाए। इस तरह बराबर चलाते रहें चावल को, नहीं तो चावल जो हमें कढ़ाई में चिपक जाएंगे। इसे चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। चावल हमारे भून चुके हैं, ये देखिए किस तरह से छटकने लगे हैं। इसमें का पानी अंदर से सूख गया है और चावल हमारे जो है छटकने लगे हैं। ये देखिए ज़रा सा पानी। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और चावल को एक बर्तन में पलट लेंगे। अब कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, अब हम सब्जियों को भूनेंगे। सबसे पहले हमें गोभी को भून लेना है। गोभी को हमें गोल्डन पर्पल कर लेंगे। गोभी को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है।
गोभी हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब इसे हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब यहाँ पर हम तीन हरी मिर्च जो शीरा लगा ली हूँ वो डाल रही हूँ। यहाँ पर दो तेज पत्ते में डाल रही हूँ। अब यहीं पर मैं आलू जो काट कर रखी हूँ वो डालूँगी। अब इसे हमें गोल्डन होने तक पकाना है। इसी तरह से मीडियम आंच पर इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। दाल हमारे अध पक्के हो चुके हैं, ये देखिए। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है दाल को, बस अध पक्का ही पकाना है। अब इस यहाँ पर एक भगोना यहाँ पर मैं पानी डाल दे रही हूँ। अब इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर एक भगवाना पानी और मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर दो भगवाना पानी डाल रही हूँ। पानी हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ सब्जियाँ भून रही हूँ। यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, दो छोटे चम्मच हम यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। अब यहीं पर हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर हम जो मसाले का पेस्ट बनाए हैं वो डालेंगे। अब यहीं पर हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अब यहीं पर हम थोड़ा सा मटर छुड़ा कर रखा है हमें वो डालूँगी। अब सभी को हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहीं पर हमने दो टमाटर काट कर रखी हूँ वो डालूँगी। अब सभी सामग्रियों को हम अच्छी तरह से भून कर पका लेना है। यहाँ पर सब्जियों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर मैं जो गोभी फ्राई कर रखी हूँ वो डाल रही हूँ। अब यहीं पर हमने जो मटर को दरदरा पीसा था वो डालूंगी। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें थोड़ी देर और भूनना है ताकि सभी सामग्रियाँ अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। इसे मैं ढक कर थोड़ी देर और भून ले रही हूँ। सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, ये देखिए। आलू भी हमारे देखिए पक गए हैं, कट जा रहे हैं। अब इससे हमें गैस को बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ हमारा पानी भी उबल चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। अब इससे हम यहाँ पर चला देंगे। सब्जियों में हमने हल्दी डाल रखी है इसलिए यहाँ पर हल्दी हमने कम डाली है। अब यहाँ पर हम चावल डालेंगे। चावल को देखिए हमने किस तरह से भून लिया है। आप जब भी खिचड़ी बनाएं, चावल और दाल भून कर बनाएं, इससे खिचड़ी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। भून कर आप जब चावल दाल को बनाएँगे खिचड़ियाँ तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप सब्जियों में आप अपने पसंद से हरी सब्जियाँ जैसी हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने आलू और गोभी डाला है, आप बैंगन भी डाल सकते हैं, सेम डे भी डाल सकते हैं। जो आपको हरी सब्जियाँ पसंद हो उसमें डाल कर बना सकते हैं। अब चावल को हमें अधपक्का कर लेना है, तब हम सब्जियों को डालेंगे। क्योंकि ये उसना चावल है, भुजिया चावल पकने में टाइम लगते हैं। तब हम सब्जियों को डालेंगे तो मसाले की खुशबू जो है हमारी वो ख़राब हो जाएगी, खुशबू कम हो जाएगी। इसलिए चावल को हम अधपका पका लेंगे।
अब अगर आप अरवा चावल बनाते हो तो सब्जियां और चावल साथ एक साथ में ही डालें। चावल हमारे जो है फूल चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं सब्जियों को ऐड करूंगी। एक बार फिर बता रही हूँ, जब आप अरवा चावल बनाएं तो सब्जियों और चावल सब साथ में ही डाल दें। यहाँ पर मैं भुजिया चावल बना रही हूँ तो इसलिए, क्योंकि इसलिए पकने में टाइम लगते हैं और सब्जियाँ और हमारे मसाले जो है पक चुके हैं, इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये सब्जियाँ बाद में डाल रही हूँ। आप अरवा चावल बनाएं तो सब्जियों को और चावल को साथ ही में डाल दें। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे चावल पक ना जाए। अब यहाँ पर मैं पानी रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। जो मसाले जो हमारे कढ़ाई में चिपके हैं उसे मैं डाल दूँगी इसमें। अब इसे मैं ढक दे रही हूँ। यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि नमक हमने सब्जियों में डाल रखा था क्योंकि सब्जी हमारे जल्दी से पक जाए। दाल में भी हमने थोड़ा सा डाला था, इसलिए यहाँ पर नमक मैं कम डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे चावल पक न जाए। चावल हमारे मिसाए जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी खिचड़ियाँ पक चुकी है। अब यहाँ पर हम धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं। धनिया पत्ती डालकर हम इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से डालेंगे। खिचड़ियों को हमें इस तरह से ही पतला रखना है। अगर जब खिचड़ियाँ गाढ़ी हो जाए तो आप गर्म पानी कर डाल दें। ये देखिए हमने गर्म पानी कर रखा हुआ है यहाँ पर। जब खिचड़ियाँ जब ठंडी होती है तो गाढ़ी हो जाती है, तब इसमें हम गर्म पानी मिला देंगे। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। खिचड़ियाँ हमारी बन चुकी है। अब जब आप अरवा चावल जब बनाएं तो थोड़ा टाइट ही रखें, तभी गैस को बंद कर दें, क्योंकि जो अरवा चावल है वो जल्द से पक जाते हैं। तो थोड़ा उसको टाइट ही रखें तभी गैस को बंद कर दें, क्योंकि जब बर्तन हमारा गर्म रहेगा उसी में हमारे चावल पक जाएंगे। इस बातों का ध्यान दें तब हमारी खिचड़ियाँ जो है खिली खिली बनेंगी। बंगाली खिचड़ी बनकर तैयार है। यह बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। इस खिचड़ी को देखकर आप हफ्ते का एक मेनू तो बना ही लीजिए, सैटरडे स्पेशल बंगाली खिचड़ी, जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा पर मन कभी नहीं भरेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहे मीना की रसोई।